हाय वेलकम टू दिस न्यू वीडियो पाइथन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइथन में जो डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेशंस रहते हैं, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। इन तीनों ऑपरेशन से रिलेटेड एक एक हमारे पास कीवर्ड है जिसको हम लोग यूज करेंगे एज अ ऑपरेटर। तो देखते हैं इसको, ये क्या है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा लॉजिकल ऑपरेशन रहता है एंड ऑपरेशन रहता है। तो एंड ऑपरेटर के लिए हम लोग ए एंड डी कीवर्ड को यूज करेंगे। जहां बाकी लैंग्वेजेस में एंड के लिए ऑपरेटर है, पाइथन में एंड के लिए हमने इन्होंने एक कीवर्ड दिया है। तो एंड ऑपरेशन के बारे में क्या होता है कि जब भी दो कंडीशंस के बीच में एंड ऑपरेटर लगता है या एंड कंडीशन होती है, तो उस केस में क्या रहता है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो आंसर ट्रू इवेल्युएट होगा, दोनों कंडीशन फॉल्स हो या दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स इवेल्युएट होता है। सपोज एक मैं कोडिंग एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज तीन वेरिएबल है ए बी और सी। ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 10 है। तो हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाई है। इफ में हमने दो कंडीशंस चेक की है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। तो इनिशियल वैल्यूज के हिसाब से हम चेक करते हैं एंड ऑपरेटर का यूज। तो पहले हम एक इनर ब्रैकेट ले लेते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 12 है और सी की वैल्यू 10 है। तो 12 इज ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन क्या इवेल्युएट होगी, ट्रू इवेल्युएट होगी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ए इज ग्रेटर देन सी। तो ए इज 12 एंड सी इज 10, तो इस केस में भी कंडीशन ट्रू इवेल्युएट होगी। दोनों ट्रू के बीच में एक एंड लिखा हुआ है, तो ट्रू एंड ट्रू विल इवेल्युएट टू ट्रू। तो आंसर हमारा इस केस में क्या रहेगा, इस कंडीशन में क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। आगे बढ़ते हैं एक डिफरेंट वैल्यू के साथ। सपोज वही तीन वेरिएबल लिए मैंने, ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 15 लिया है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये ट्रू है क्योंकि ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 2 है, तो 12 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू है। दूसरी कंडीशन क्या है, ए इज 12, बी इज 15, सी इज 15, तो इस केस में जो कंडीशन है ये फॉल्स है। तो एक तरफ ट्रू है, एक तरफ फॉल्स है, बीच में एंड कंडीशन लगी हुई है, तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। कि दोनों में से, मैंने शुरू में ही कहा कि जब भी एंड लगाओ तो दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो या दोनों फॉल्स हो कंडीशन, तो आंसर हमारा फॉल्स ही इवेल्युएट होता है। तो पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम सेकंड देखते हैं और ऑपरेटर के बारे में, कि पाइथन में और ऑपरेटर क्या है। तो और ऑपरेटर के लिए यहाँ पे एक ऑपरेटर नहीं है, एक ओ आर कीवर्ड है पाइथन में जिसको हम एज अ और ऑपरेटर यूज करेंगे। तो किसी भी उसमें और ऑपरेशन के केस में क्या होता है, चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, ये लॉजिकल ऑपरेशन है, और कि अगर दो कंडीशन के बीच में और कंडीशन लगी हुई है तो दोनों कंडीशन ट्रू हो या दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो आंसर हमेशा ट्रू इवेल्युएट होगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स इवेल्युएट होता है। तो पाइथन क्या, ये जो पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर्स में से और ऑपरेटर को समझने के लिए एक छोटा सा प्रोग्रामिंग सेगमेंट देख लेते हैं, प्रोग्राम सेगमेंट देखते हैं। फिर से मैंने वही एग्जांपल लिए, ए की तीन वेरिएबल लिए ए बी और सी। ए की इनिशियल वैल्यू है 12, बी की इनिशियल वैल्यू 2 और सी की इनिशियल वैल्यू हमने 10 ली है। तो पहले इनर ब्रैकेट की बात करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए की वैल्यू क्या है, 12 है और बी की वैल्यू 2 है, तो ये कंडीशन क्या रहेगी, हमारी ट्रू रहेगी। दूसरी इनर ब्रैकेट की बात करते हैं, ए की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 10 है, तो ये कंडीशन भी ट्रू रहेगी। दोनों ट्रू के बीच में हमारी और कंडीशन लगी हुई है, तो ट्रू और विद ट्रू इज विल इवेल्युएट टू ट्रू, यानी कि ये ट्रू रहेगा। एक केस और देखते हैं। सपोज ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 2 है और सी वेरिएबल की वैल्यू 15 है। इस केस में जो इनर ब्रैकेट है ए इज ग्रेटर देन बी, ये ट्रू इवेल्युएट होगी क्योंकि ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 2 है, तो ट्रू इवेल्युएट होगा। दूसरी कंडीशन है, ए इज ग्रेटर देन सी, तो ए 12 है, सी 15 है, तो ये जो ब्रैकेट है हमारी फॉल्स इवेल्युएट होगी। तो ट्रू और फॉल्स के बीच में और लगा हुआ है, तो मैंने शुरू में कहा कि अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो भी आंसर ट्रू ही रहेगा, तो इस केस में क्या रहेगा, ये ट्रू इवेल्युएट होगा। एक केस और देखते हैं इसको समझने के लिए। सपोज हमारी इनिशियल वैल्यू है 12 है, ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 22 है, सी की वैल्यू 10 है। अब हम देखते हैं इस केस में, तो ए की वैल्यू क्या है, हमारी 12 है, 12 इज ग्रेटर देन 22, नो, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स इवेल्युएट होगी। ए इज ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे क्या, ए की वैल्यू
12 है और c की वैल्यू 10 है, इस केस में कंडीशन ट्रू इवेल्युएट होगी। तो फॉल्स और विद ट्रू विल इवेल्युएट टू ट्रू, इसमें क्या हो गया कि पहली कंडीशन है जो हमारी फॉल्स होगी, दूसरी कंडीशन लेकिन ट्रू होने के कारण फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन लॉजिकल एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो ट्रू रहेगा। एक केस और ले लेते हैं इसको फॉल्स के लिए। सपोज एक वेरिएबल ए है, इसकी इनिशियल वैल्यू 12 है, एक वेरिएबल बी है, इसकी वैल्यू 22 है, एक वेरिएबल सी है, इसकी इनिशियल वैल्यू 20 है। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन क्या रहेगी हमारी, क्योंकि 12 है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 22 है, तो ये कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स इवेल्युएट होगी। ए इज ग्रेटर देन सी, ए की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू 20 है, तो ये भी फॉल्स रहेगी। फॉल्स फॉल्स के बीच में और लगा हुआ है, फॉल्स और विद फॉल्स विल इवेल्युएट ट्रू फॉल्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑन कंडीशन के केस में है, अगर आपको फाइनल आंसर फॉल्स कब आएगा, जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी, अगर दोनों ट्रू हो या दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो आंसर हमारा ट्रू रहने वाला है। तो पाइथन का हमारा जो थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर है नोट ऑपरेटर है, तो नोट ऑपरेटर क्या करता है कि कोई भी कंडीशन को निगेट करता है, अगर हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू हो तो इसको ये फॉल्स में कन्वर्ट करता है, अगर फॉल्स हो तो इसको ये ट्रू में कन्वर्ट करता है। तो नोट के लिए हमारा कीवर्ड है एनओटी, कोई ऑपरेटर नहीं है इसमें, तो एनओटी एज अ ऑपरेटर वर्क करेगा। सपोज ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू 22 है, अगर इंडर ब्रैकेट की बात करें तो 12 इज ग्रेटर देन 22, कंडीशन क्या हमारी फॉल्स है, लेकिन नोट लगा हुआ बार नोट क्या करेगा, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह से अगर मान लो ए की वैल्यू 32 है, बी की वैल्यू 22 है, तो इनर कंडीशन क्या हमारी ट्रू है, नोट होने के कारण फाइनली ये क्या करेगा, फॉल्स को ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो नोट लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, कंडीशंस को निगेट करता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है, इवेल्युएट करता है, बेसिकली ट्रू को फॉल्स में इवेल्युएट करता है, फॉल्स को ट्रू में इवेल्युएट।